तमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय ॐ शान्ति 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 हियो। मैं बचपन में सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और एट्थ के बाद गुरुकुल में आ गया। आप लोग यहाँ श्राम विद्याशाला में जो शिक्षण पा रहे हैं वो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा के जैसा ही है, तो आपके ऊपर मुझे बहुत गौरव हो रहा है। और मुझे अपने गुरुकुल के दिनों की, जब मैं गांव में था तो गांव में तो हरियाणा के एक छोटे से गांव में वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते थे, तो मैं गांव में हिंदी भाषा बात करता था तो गांव वाले बोलते थे तू बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोलता है। फिर मैं गुरुकुल में आ गया तो मैं संस्कृत में बोलता था। मैंने इधर छोटे छोटे बच्चों का भी संस्कृत संभाषण सुना तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मात्र संस्कृत संभाषण की बात नहीं, पूरे देश में एक पागलपन आया हुआ है कि अंग्रेजी मीडियम से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे परम आत्मीय ये तो एक साधारण वस्त्र में एक सन्यासी एक ऋषि जैसा कार्य प्रभाकर जी कर रहे हैं। ऋषि वस्त्र से नहीं चरित्र से होता है, तो ऋषि जैसा चरित्र है। और ये तो हमारे नारायण जी हैं, नागेश है? तो नारायण समय जी, तो ये तो नारायण के ही स्वरूप है। इनके पुरुषार्थ से ये जगह का नाम कलड़क थोड़ा एक बार बहुत भयंकर विवाद हो गया था तो नाम जानते हैं। इस छोटी सी जगह पर इस धरती का श्रेष्ठतम कार्य हो रहा है, उसके लिए आपका अभिनंदन। एक बात तो मैं भाषा के बारे में बोलता हूं, मनुष्य जब मां के पेट में होता है, स्त्री हो या पुरुष, मेल और फीमेल, लड़का लड़की, दोनों मां के एक पेट से पैदा होता है। बाप के पेट से कोई नहीं पैदा होता, हम लोग पैदा नहीं करते। जननी वो मां वो बच्चा पैदा करती है, 3 मंथ्स में उसका बॉडी का सारा पार्ट्स आ जाता है, आईज ब्रेन ईयर्स नॉस्ट्रिल एंड एवरीथिंग, किडनी लिवर हार्ट लेग्स हैंड्स एवरीथिंग। वो मेल है कि फीमेल है ये भी पूरा उसका बॉडी का शेप आ जाता है विद इन 3 मंथ्स। फिर आफ्टर 3 मंथ्स 6 मंथ में ब्रेन पूरा विकसित हो जाता है, 6 मंथ में ब्रेन पूरा फॉर्म हो जाता है, देन 3 मंथ्स उसका डेवलपमेंट होता है। सो वन इज गर्भाधान संस्कार 3 मंथ्स, जब हम मां के पेट में शुक्र और रज स्पर्म ओवम मिलते हैं तो वो प्रोसेस चालू होता है। 2 मिलके 1 सेल होता है, ऐसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म, उससे फिर पूरा बॉडी का शेप आता है। ये 3 मंथ्स का प्रोसेस है। आफ्टर 3 मंथ्स पूरा बॉडी का पार्ट सब बन गया तो फिर मैंने कहा ब्रेन, ब्रेन का फिर डेवलपमेंट शुरू होता है, तो पुंसवन संस्कार आफ्टर 3 मंथ्स विद इन 6 मंथ
सीमंतोनयन संस्कार, दीज आर थ्री संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, ब्रेन का विकास हुआ है। जब हम मां के पेट में 6 मंथ के होते हैं तब ब्रेन हमारा उसका रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप हो गया। तो जो मां सुनता है, मां बोलती है, मां सुनती है, मां खाती पीती है, मां का जो थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, एक्शंस है, उसके ब्रेन में सब प्रिजर्व हो जाता है। जो मां की कोख में भाषा सुनते हैं उसको हम सबसे जल्दी सीखते हैं ऐसा, और उससे ब्रेन का बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट के लिए एक माध्यम भाषा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, वन इज लैंग्वेज, सेकंड टेक्निकल एजुकेशन, और उसमें कोई भी हो सकता है, व्याकरण, ग्रामर, जिसमें हम शब्द निर्माण करते हैं। मैंने अर्थ शब्द शास्त्र पढ़ा है, उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज तक मैंने हजारों शास्त्रार्थ किए हैं, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अभी तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सका है, क्योंकि मैं मातृभाषा में पढ़ा हूं। मातृभाषा, फिर संस्कृत भाषा, उसमें व्याकरण, अयोन्द्रिली की ओंग अयोच से लेकर के वृद्धिरादित अधिगुण, मुझे खुशी है यहां मातृभाषा कन्नड़ में पढ़ाई होती है, माध्यम है, मीडियम, देन आप संस्कृत भी पढ़ते हो, दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन मातृभाषा संस्कृत भाषा आप पढ़ते हैं, उससे दिमाग, ब्रेन विकसित भी होता है और उसमें सात्विकता भी आती है। तो एक माध्यम ब्रेन को डेवलपमेंट करने का लैंग्वेज, दूसरा कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, एंड थर्ड योग एंड मेडिटेशन। तो आपको मातृभाषा और संस्कृत भाषा में सब टेक्निकल चीजें आ जाती है, बहुत टेक्निकल भाषा है, उसका शब्द निर्माण है ना, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छतः गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो उसमें अपने आप एक टेक्नोलॉजी अपने आप दिमाग में आती है। राम है रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्यम रामेभ्य रामाय रामाभ्यम रामेभ्य रामाय रामाभ्यम रामेभ्य रामस्य रामो रामणम रामे रामे। ही मैं तो बचपन में स्कूल में भी संस्कृत में मेरे 90% और 100% मार्क्स आते थे, गुरुकुल में भी। हाँ, एक बात याद रखना, जो करो उसको पूरे पागलपन से करो। मैंने पढ़ाई की तो पूरे पागलपन से, जब पढ़ते समय खेत में काम करता तो वो भी पागलपन से, कुश्ती भी लड़ता था, वो दंड बैठक भी लगाता था, अभी भी लगाता हूँ, हाँ, तो पागलपन से। फिर योग आयुर्वेद का प्रचार किया तो पागलपन से, पूरे देश में काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, और इस देश में एक वो खानदान जिसकी सैकड़ों वर्षों से जड़े जमे हुई थे उसको उखाड़ा, तो भी ताकत से उखाड़ा, आंदोलन किया। आंदोलन तो प्रभाकर जी को भी करना पड़ता है। 40 साल से 40 ईयर्स से हम तो सबके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, स्वधर्म निष्ठा, परम धर्म सहिष्णुता, सद्भाव। 40 वर्षों की आपकी इस विद्या साधना को, आपके तप को, हमारे पूरे ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं, नारायण का और सब हमारे ट्रस्टीज का, आपके तप, धैर्य, साहस और आपके इस बलिदान को, आपकी इस कुर्बानी को, सेक्रीफाइस को, मैं पूरे सनातन धर्म की ओर से आपको प्रणाम करता हूं। इतना श्रेष्ठ कार्य आप यहां पर कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, टेक्निकल जो भी सब्जेक्ट है वो भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं ये सारे, योग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो आपका विकास होगा।
देखो जन्म से कोई महान नहीं होता, और मैं वेद पढ़ा हुआ हूं, वेद में जन्म के आधार पर कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब अपने कर्म से महान होते हैं, और जो कर्म करेगा वो देश नहीं वो दुनिया में राज करेगा। कर्म अच्छे करो, सब महापुरुषों ने कहा, वेद में कहा कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विच्छेदं समा प्रमादो मृत्युः, जो प्रमादी है तो अकर्मा दस्युः, जो कर्म नहीं करते वो राक्षस है। अकर्मा दस्युः, बोलो क्या बोला, अकर्मा दस्युः, बोलो अकर्मा दस्युः, जो कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, वो दस्यु है, राक्षस है, पिशाच है। अकर्मा दस्यु, जो कर्म करते हैं वो मनुष्य हैं, वो देवता हैं, वो ऋषि हैं, वो मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होते हैं। कर्म करो, आप खूब पुरुषार्थ करते हो और आपका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, मनमानी नहीं करना, मन में आया वही सोचा, मन में आया वही सुना, मन में आया वही देखा, मन में आया वही बोला, मन में आया वही खाया, मन में आया वही किया, नो मनमानी नहीं करना। जो जीवन जीने का सही रास्ता है, महाजनो ये न गता सपंथा, महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं जिस रास्ते पर बड़े लोग चले, डोंट डू डिफरेंट नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स, सही रास्ते पर आगे बढ़ो, सत्य के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, वेद के रास्ते पर, ऋषियों के रास्ते पर, भगवान रामकृष्ण के रास्ते पर आगे बढ़ना। आप खूब विकास करें, अपने आप को ऊंचा उठाएं, और इतना ऊंचा उठाएं कि आने वाले 10-20 वर्षों में पूरे देश में, खाली अब ये कर्नाटक की बात नहीं है, खाली देश की बात नहीं है, आप में दुनिया में भी कहीं जा सकते हैं। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में तो अभी भी कोई बस नहीं चलता है, नो बस, नो रेलवे, एयरपोर्ट तो किसी गांव के बुजुर्ग ने देखा ही नहीं है, क्या एयरपोर्ट, ऊपर से गाड़ी जाती है, उसको हम चील गाड़ी बोलते थे, चील गाड़ी, चील होती है ना, उड़ती है ऐसे। लेकिन मैं पूरी दुनिया में गया, घूमा नहीं, लास्ट 40 ईयर से मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं लिया। लोग हॉलीडे करते हैं ना, वंस ए वीक हॉलीडे होता है ना, संडे करते हैं, मैंने लास्ट 40 ईयर से एक भी हॉलीडे नहीं किया, नो हॉलीडे, रोज कर्म करो, खुश रहो, नो पिक्चर, नो सीरियल, लॉन्ग एडवेंचर, कोई बाहर घूमने जाते हैं क्या करते, पिकनिक, नो पिकनिक। तो काम करके खुश रहना, हमेशा खुश रहना, अपने काम को बहुत अच्छे से करना और फिर खुश रहना, आगे बढ़ते जाना। एक दिन तुम इतने आगे बढ़ जाओगे कि सारा एक कर्नाटक ही नहीं पूरा राष्ट्र आप पर गौरव करे, ऐसे आपको बन करके दिखाना, पूरा राष्ट्र का गौरव बनना है। आप ऐसे बच्चे हैं, बनेंगे, ऐसे विश्वास है, बहुत से अच्छे बच्चे बने इन पिछले 40 वर्षों में। आपके माता पिता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए उन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है, और हमारी बेटियाँ भी बहुत हैं, बेटे भी हैं, अच्छी बात है, यहाँ बेटियों को आगे बैठाया, वैसे आजकल बेटियाँ बेटों से आगे बढ़ रही हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप दोनों ही आगे बढ़ेंगे, मेरी शुभकामनाएं। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं, लेकिन सब आगे बढ़े, और 3 बातें जीवन के बारे में बोलता हूं हमेशा मैं, लाइफ लाइक अ सीड, जीवन बीज की तरह है। क्या बोला, जीवन किसकी तरह है, बीज, बीज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सीड, और यहां क्या बोलते हैं, बीजा, लाइफ लाइक ए बीजा, बीज, सीड, हमारे अंदर अच्छे बीज भी हैं
पॉजिटिव नॉलेज, गुड नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज एंड डिस्ट्रक्टिव नॉलेज वी हैव ऑल्सो. पॉजिटिव इमोशंस एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशंस ऑल्सो. पॉजिटिव क्रिएटिव वर्क, डिस्ट्रक्टिव वर्क वी हैव इन साइड. हमारे भीतर सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है. राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है. वी हैव इन साइड एवरीथिंग. हमको जीवन के अच्छे बीजों को बढ़ाना है और खराब बीजों को नष्ट करना है. ये जीवन का पुरुषार्थ है. क्या है? बोलो जीवन का, जोर से बोलो, पुरुषार्थ. पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, द पर्पज ऑफ सोल, द पर्पज ऑफ लाइफ. यही है, अच्छी चीज को बढ़ाना, खराब चीज को खत्म करना. वी हैव डिजीज इन द बॉडी, वी हैव कैंसर इन द बॉडी, वी हैव बीपी, वी हैव शुगर, वी हैव थायराइड, एवरीथिंग इन साइड. हम योग नहीं करेंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर भी होगा. हमारे अंदर रोग भी है, आरोग्य भी है. हमारे अंदर सब कुछ है. शक्ति भी है, अशक्ति भी है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, कर्म भी है, दुष्कर्म भी है. सुविचार सद्भावना सत्कर्म है, दुर्विचार दुर्भावना दुष्कर्म भी है. अच्छी चीज को बढ़ाना, वन थिंग. अच्छी चीज को बढ़ाने के लिए क्या करना, सेकंड थिंग. तो हमने, हमारे भीतर सब कुछ है. जीवन एक बीज की तरह, अच्छे बीज बढ़ाना, किससे बढ़ाना. सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम सेइंग अगेन, कर्म, पुरुषार्थ, हार्डवर्क. खूब करो काम, इतनी मेहनत करो कि काम के अलावा और कोई ध्यान नहीं हो. ये वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं. यहाँ कर्नाटक के बड़े संत हुए, संत वशवेश्वर भी कहते हैं, काय कवे कैलास. हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, वही हमारा जीवन है. कर्म को ही धर्म बोलते हैं. कृषि धर्म, पति का कर्म पति धर्म, पत्नी का कर्म पत्नी धर्म, संतान का कर्म संतति धर्म, राष्ट्र का जो कर्म है राष्ट्र धर्म. जो हमारा वेद धर्म, ऋषि धर्म, मानव धर्म, अवर कर्म इज अवर धर्म, दैट्स ऑल. तो कर्म, कर्म की पवित्रता, इसको आगे बना के रखना हमेशा. और तीसरी चीज, अल्टीमेट थिंग, अपने भीतर जो निष्ठा तत्व है, राष्ट्र निष्ठा, इसको सबसे ऊपर रखना. राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र प्रेम, ऐसा अपने भीतर जबरदस्त रहे. तो तीन बात बताई. जीवन बीज की तरह है, अच्छे बीज को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना है, और अपने जीवन में राष्ट्र निष्ठा को सबसे ऊपर रखना है. जो राष्ट्र निष्ठ होगा उसकी माता पिता में निष्ठा होगी, उसकी स्वधर्म में निष्ठा होगी, स्वकर्म में निष्ठा होगी, उसकी मानव धर्म में निष्ठा होगी. इसलिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा है. मजहब सबसे बड़ा नहीं होता है. डिफरेंट मजहब है, लोग मत मतांतर हैं, सब है, लेकिन देश से बड़ा कुछ भी नहीं है. देश बचेगा तो धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी, सभ्यता बचेगी, हम सब बचेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा भारत बचेगा. देश नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा. इसलिए एक भजन आपको बोल के फिर मेरे को बोला है कि कुछ आप में से बच्चों को कुछ पूछना है आपको. एक भजन तो मैं रोज सुनाता हूँ, योग कराता हूँ ना, तब प्राणायाम कराता हूँ तो भी बोलता हूँ. आज सुबह भी बोल रहा था, मेरे साथ आप भी बोलेंगे. देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए. व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना. दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये सांस हो मातृभूमि के लिए. देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए
जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए ये धड़कन ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्यभूमि के लिए, पुण्यभूमि के लिए। बोले भारत माता की, कर्नाटक माता की। ऐसा अपने भीतर उच्च भाव रहना चाहिए। दो दिन पहले प्रभाकर जी आए, तो इस दिन इनका जन्मदिन था, तो इन्होंने बोला कि स्वामी जी मुझे बर्थडे की गिफ्ट दो। तो मैंने कहा लो, मैं तो सब कुछ अपना ही, मेरे पास तो ये कपड़े यही दे देता हूँ आपको। तो बोले नहीं, मेरे को दक्षिणा चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या आपको गिफ्ट चाहिए, क्या उपहार चाहिए। बोले मेरे बच्चे मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय, वहाँ एक बार आ जाओ। तो आपका प्रोग्राम पहले से बिल्कुल नहीं था, इनको बर्थडे का हमने गिफ्ट दिया, इसलिए यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए। तो बस यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चों से, बड़े बड़े बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, और मलखम्बी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। थोड़ा सा एक्टिविटी हमने देखा, लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत सुंदर कर रहे हैं। भारत के सभी विद्यालयों में वो संस्कार मिलने चाहिए जो आपको यहाँ श्रीराम विद्याशाला में मिल रहे हैं। ऐसा संस्कार मिलेंगे तो ये भारत बहुत जल्दी परमो वैभवशाली जगत गुरु विश्व की महाशक्ति सुपर पावर बन जाएगा। ऐसा ऐसे शिक्षा और संस्कार आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ऐसी इसी की जरूरत है मनुष्य में। मैंने कहा ना, आप आतंकवादी भी हो सकते हो, राष्ट्रवादी भी हो सकते हो, दोनों आपके अंदर ही है। मैंने बोला ना, लाइफ लाइक अ सीड। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, हमारी बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, और ऐसे निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। मुझे कहा गया कि कुछ बच्चे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, तो उसको भी कंटिन्यू प्रोसेस में ही ले लेते हैं। तो बच्चों के जो भी प्रश्न हैं वो पूछ लेंगे। जय श्री राम। मेरा नाम क्षमा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए योग कैसे सहायक करती है? क्या नाम आपका? क्षमा। क्षमा, पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है। धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमो सेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो मेमोरी कैसे बढ़ाएं? मेमोरी किधर रहती है? किधर रहती है मेमोरी? इधर पैरों में रहती है कि हाथ में रहती है कि पेट में रहती है कि इधर हार्ट में रहती है कि ब्रेन में? जोर से बोलो। ब्रेन कितने होते हैं? एक है कि दो? एक में दो हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करना है। दो ब्रेन कैसे आपको पता लगे? आप कोई भी काम करते हो तो आपको दो तरह के अंदर से इंट्यूशन आते हैं। एक दिमाग कहता है योग अभ्यास कर ले, दूसरा कहता है आराम कर ले। एक दिमाग कहता है ज्यादा खा ले, रसगुल्ला जलेबी लड्डू मोदकम ज्यादा खा ले, एक कहता है कम खा। एक दिमाग कहता है जल्दी उठ जा, दूसरा कहता है सो जा। एक दिमाग कहता है पढ़ाई कर ले, दूसरा दिमाग कहता है खेल ले। दो दिमाग होता है ना। एक दिमाग कहता है स्वामी रामदेव जैसा सन्यासी बन जा, दूसरा दिमाग कहता है संसारी बन जा। तो हमारे पास बोलो दो दिमाग है ना, एक राइट एक लेफ्ट, इसका पूरा साइंस है। इन दोनों दिमागों को ठीक करने के लिए एक तो ये नाक है, बाएं नाक से श्वास लो तो राइट ब्रेन, इसका पूरी बॉडी का साइंस है कि लेफ्ट ब्रेन राइट साइड से कनेक्टेड है, राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी से कनेक्टेड है, ऐसा पूरा ऊपर से नीचे तक। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, राइट लेफ्ट से छोड़ा, इससे ब्रेन विकसित होता, मेमोरी शार्प होती है। एक उपाय। दूसरा शीर्षासन सर्वांगासन करो तो ब्रेन को ऑक्सीजन की, एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ब्रेन सेल को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ब्रेन सेल से एक्टिवेट हो जाएंगे। एक दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कोई भी पढ़ाई करते हो कोई भी काम करते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगासन भी मदद करते हैं, एक्सरसाइज भी मदद करती है, अपना प्रयत्न भी करना। कंसंट्रेशन से भी मेमोरी शार्प होती है, पढ़ने से भी दिमाग बढ़ता है। पानी में पानी डालो क्या बढ़ेगा?
मिट्टी में मिट्टी डालो क्या बढ़ेगी, पैसे में पैसा डालो, एक रुपये 100 रुपये में 100 रुपये और डाल दो तो क्या बढ़ जाएगा, पैसे से क्या बढ़ता है, पैसा। प्रेम में प्रेम डालो, प्रेम बैर में बैर डालो, बैर तो ज्ञान पढ़ने से भी दिमाग बढ़ता है। पढ़ो, खूब पढ़ो, योगाभ्यास करो, कंसंट्रेशन करो और बड़ों की बात मान के चलो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो ये मेमोरी बढ़ाने के लिए उपाय बता दिए। कुछ लोग कहते हैं बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है, मैंने देखा बादाम खाने वाले ज़्यादातर अमीरों के बच्चे फिसड्डी होते हैं। तो बादाम हेल्प करेगा, अच्छी बात है, किसी को मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो मूंगफली भिगो के खाओ ग्राउंडेड, वो भी अच्छा है, नहीं तो पतंजलि का बादाम रोगन आता है वो भी खाओ, नहीं तो ब्राह्मी शंखपुष्पी ये भी मदद करती है, खाओ ज्योतिषमती ये मदद करती है। तो दिमाग बढ़ाने के उपाय बता दिए जी। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। मेरा नाम जनित है, मैं द्वितीय पी में पढ़ रहा हूँ। जैन जनित जनित जनित। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अयोध्या के निर्णय के बारे में आपके विचार क्या है। अयोध्या के बाद पहले तो जनित भाई, 70 वर्ष आफ्टर 70 ईयर्स ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि अयोध्या में राम जन्मे थे और वहाँ उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। ऐसे मुकदमा 450 साल से चल रहा था और ये भी सबको पता है कि बाबर अयोध्या में पैदा नहीं हुआ था और उसका नीचे जो ज़मीन में खोदा तो पता लगा मंदिर था वहाँ। तो अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या है, तो ये तो एक मजहब के लोग होते हैं तो उनको रिव्यू पिटीशन में जाने का राइट होता है कोर्ट में, लेकिन वो सर्वसम्मति से सब जजों ने दे दिया है इसलिए उसमें कुछ और नहीं होगा। अब अयोध्या में राम मंदिर पहली बात तो 100% बनेगा, ये होगा। दूसरी बात आगे क्या होना चाहिए, राम का मंदिर तो अयोध्या में बना तो हमें क्या करना, तो सब लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते, कभी जाएंगे एक बार तो लाइफ में जाना, तो अपना चरित्र राम जैसा बनाना, अपना चरित्र सीता जैसा बनाना तो पूरे राष्ट्र में राम राज्य आ जाएगा, राम जैसा चरित्र बनाना, ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि राम जैसा सीता जैसा चरित्र बनाने के लिए क्या करना, तो राम सिंबल है, आइडियल है मर्यादा का। किसका आइडियल है राम, बोलो जोर से बोलो, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। आप आपस में मिलते हो तो मैंने पहला देश का विद्यालय देखा, अभी तक मैं हजारों विद्यालयों में गया हूं जहां जाते ही बच्चे जय श्री राम करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्कूल इन। मुझे कहीं पूरे देश दुनिया में पहला ऐसा मिला प्रभाकर जी जहां सब बच्चे जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम क्यों बोलना, अपने को राम जैसा होना है, सीता जैसा होना है, वो तो राम और सीता एक ही बात है, एक का नाम बोल दिया तो दूसरा उसमें समाहित है, सीता राम जैसा होना अपने को। तो सीता और राम का जीवन मर्यादित है, कैसा जीवन है बोलो, मर्यादित। तो मर्यादा है खाने की पीने की पढ़ने की जीने की, लड़का की लड़की की बेटे की बाप की सबकी मर्यादा है, कोई अपनी मर्यादा का अतिक्रमण बोलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये होना है। चलो बहुत आशीर्वाद जनित बेटा। जय श्री राम। मेरा नाम अमृता है। बाबा जी आपको स्वदेशी अभियान को आरंभ करने के लिए प्रचोदित करने वाला क्या क्या विचार था, प्रेरण क्या किया था? अमृता, मेरा विचार अमृता से शुरू हुआ। एक लता होती है उसका नाम अमृत बल्ली बोलते हैं कन्नड़ में, हा? लता होती है अमृत बल्ली, गिलोय बोलते हैं हिंदी में। हमें गिलोय को देखा तो एक गिलोय 100 डिजीज को ठीक कर देती है, ओबिसिटी, डायबिटीज, लो इम्यूनिटी, प्लेटलेट्स, WBC, RBC, फिर सो मैनी कैंसर, देन TB, सो मैनी बैक्टीरिया वायरल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, SLMS, सो प्रकार की बीमारी एक अमृता से दूर हो जाती है। आप औषधि नहीं हो, आप तो परम औषधि हो, हा? अमृता जो कभी मरती नहीं, तो हम सभी अमृता हैं, अमृत अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमर अजर आत्मा है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैलम क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मारु। तो यहाँ 12th स्टैंडर्ड तक सब गीता एक एक कक्षा में एक एक पाठ पढ़ाते हैं और काफ़ी बच्चों ने
कुछ श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ भी किया है, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। हाँ, अच्छी बात है। तो मेरे को स्वदेशी की प्रेरणा इससे मिली कि मेरे देश में की जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है। सो पावरफुल आवर हर्ब्स एंड इंडिया इज द हब ऑफ मेडिसिंस। तो मैंने अलग अलग जड़ी बूटियों पर शोध किया, योग के ऊपर शोध किया, इसका देखा फायदा बहुत लोगों को है। हमारे देश में 50 लाख 50 लाख करोड़, कितना 50 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। द फर्स्ट एमएनसी स्टार्टेड द बिजनेस ईयर, द नेम ऑफ दिस कंपनी क्या है, बोलो बोलो जोर से, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है बोलो? 1857 का जो प्रथम स्वातंत्र संग्राम हुआ तो किसके खिलाफ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। कंपनी के लोगों ने हमारे राजा महाराजाओं को सबको अपने बोतों को अधीन कर लिया, पूरे देश में शासन कायम कर लिया, देश को लूट लिया। स्वर्णमय था भारत, सोने की चिड़िया मनी, इतनी समृद्धि थी। या आज से 200 साल पहले, बिफोर 200 ईयर्स, कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई, पूरा देश लूटा, गुलाम बना लिया, लाखों टन सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके चले गए। बहुत तरह की समृद्धि थी, यहां आबादी बहुत कम थी। 200 साल पहले मुश्किल से पूरा इंडिया का पॉपुलेशन होगा, 200 साल पहले 5 से 10 करोड़ के बीच इतना ही आबादी था, 5 से 10 करोड़ के बीच में होगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, आजादी के समय 30 करोड़ थे, तो 70 वर्ष पहले इतने थे, तो 200 वर्ष पहले तो मुश्किल से 10 करोड़ के आसपास होंगे, 10 करोड़ के आसपास। तो अपने देश में ये बहुत बड़ा आर्थिक सांस्कृतिक वैचारिक लूट गुलामी। तो मैंने कहा मुझे ये लूट को नहीं सहना है, तो मुझे कुछ करना है। तो मैंने योग शुरू किया, थोड़ा थोड़ा शुरू किया। मेरे पास तो कैपेसिटी नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास, मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की, गुरुकुल से निकला तो 500 रुपए थे। कितने रुपए में थे मेरे पास? 500 रुपीज, ओनली 500। तो 500 रुपीज से आप क्या कर सकते हो? तुम्हारे सामने बैठे स्वामी रामदेव ने 500 से अपनी यात्रा शुरू की और आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो चैरिटी के काम कर दिए, सेवा के काम देश के लिए। तो एक इंस्पिरेशन था कि मुझे कुछ करना है, तो छोटा छोटा स्टार्ट किया, बहुत बड़ा नहीं होता शुरू में। पहले मैं 2 आदमी को योग सिखाता था, फिर 200 को सिखाया, फिर 2,000 को सिखाया, फिर 10,000 को सिखाया, फिर 10 करोड़ को सिखाया, अब तो करोड़ों। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम जीरो और धीरे धीरे आगे। ऐसे योग, आयुर्वेद, फिर सारे स्वदेशी प्रोडक्ट। अभी हमने सब विदेशी कंपनियां जो कब्जा जमा के बैठी थी, पहले टूथपेस्ट मतलब कोलगेट हो गया था, अब टूथपेस्ट मतलब दंत कांति हमने कर दिया और उस कोलगेट का गेट बंद कर दिया, क्लोज अप, क्लोज होने वाला है अभी, ये किया। ऐसा हेयर केयर, केश कांति, डेंटल केयर, दंत कांति, स्किन केयर, एलोवेरा, देन टॉयलेट क्लीनर, नो हार्पिक, क्लीन ग्रीन फ्लस, फ्लोर क्लीनर, नॉट द फिनाइल, गोनाइल कर दिया, एवरीथिंग, सब चेंज कर दिया। कैसे? एक प्रबल संकल्प। तो एक संकल्प रखो, मुझे करना है, और फिर लगे रहो उसमें। जैसे 40 वर्षों से श्रम, ये विद्या केंद्र हमारा जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे लगातार जीवन में चरैवेति चरैवेति, ध्येय मार्ग पर चले वीर तू पीछे अपने निहारो, लगे रहो, उत्तिष्ठता जागृत, तो सफलता मिलेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी अमृता को, आप सब भी ऐसे कुछ बड़ा काम करके दिखाना। खुश हो बेटा।